आप बोलिए। मैं सावित्री देवी कल ये यहाँ से नगला प्रताप से मेरे पास पहुँचे हैं कि बहन जी हमारे यहाँ ये समस्या है, मेरे बारे में लोगों को बताया, ये मेरे यहाँ पहुँचे, कल ये पहुँचे, आज मैं आई हूँ और 100% यहाँ तक है, इनका जल्दी से जल्दी काम कराऊंगी। रोड का भी है, पानी का भी है और रास्ता खराब, जो इन्होंने समस्या बताई बाकी भी बदहाल है इनके गाँव की सूरत, रोड से भी और पानी से भी, दोनों कामों को इनका जल्दी से जल्दी कराऊंगी मैं। और हेडपम्प टंकी दोनों सूखी पड़ी हैं, साल डेढ़ साल से खराब है, हेडपम्प है ये भी सूखा पड़ा है, खराब पड़ा हुआ है, रास्ता भी खराब है, पूरे गांव के लोग बच्चे छोटे सब परेशान है, बेचारे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा परेशान है ये लोग। प्रशासन पूरे तरीके से सोया हुआ है, इन्होंने पहले प्रधान से शिकायत करी है, लेखपाल सेक्रेटरी वगैरह यहाँ पर आ गए हैं, सारी चीज़ें देख गए, लेकिन आज तक कोई प्रशासन कोई कहीं का भी नहीं जागा है। छोटे अधिकारी सभी ये कहते हैं कि डीएम से जाके शिकायत कर रहे हैं, अरे आपने आप बोलो जी जी बोलेंगे बोलो जितने भी छोटे अधिकारी हैं उनसे सबसे कहा जाता है, तो लेखपाल से सेक्रेटरी से तो सभी ये कहते हैं कि डीएम से शिकायत करो या मुख्यमंत्री जी से शिकायत करो, हमारे हाथ में कोई पैसा नहीं है और उनसे कहो वो बनवाएंगे। जब मैंने छोटे अधिकारी सेक्रेटरी और अपना लेखपाल से मैंने कहा तो वो मेरे को जवाब देने लगे कि आप डीएम साहब से कहिए या ऊपर मुख्यमंत्री साहब से कहिए, तो मैंने उनसे ये जवाब दिया कि आप इसमें फिर क्यों आए हो, क्यों नौकरी कर रहे हो आप, ये इस पद पर फिर क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हुए हो, जब आपके बस का रोग नहीं है तो आप हेडपम्प नहीं बनवा सकते, रास्ता नहीं निकलवा सकते, ये गाँव वालों को परेशानी है, जब फिर क्यों आपको यहाँ भेजा गया है, क्यों आए हो आप, शक्ल दिखाने के लिए आए हो। अगर यही जवाब कोई विधायक या एमपी देने लगे तो फिर वोट भी मुख्यमंत्री को सीधा करके देना चाहिए लोगों को।